हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस स्पेशल क्लास वेयर वी स्टडी अबाउट आवर इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो आई टोटली एक्सप्लेन अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंट्रासेप्टिव मैथड्स विच इज रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, एंड इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट द MTP, इनफर्टिलिटी एंड STDs टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको, बिकॉज ऑफ आप एक न्यू टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हो, और वो न्यू टॉपिक है क्या, MTP है। और MTP का फुल फॉर्म, मतलब ये एब्रीविएशन जब आप फुल फॉर्म कर रहे हो तो आप क्या बताते हो, मेडिकली टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं कि आखिर क्या मीनिंग होता है इनका। तो अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बोला कि भाई आज का जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, MTP है, जो कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बाद का टॉपिक है, अगर आप अपने NCERT को फॉलो कर रहे हैं तो। NCERT को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो MTP है। आखिर क्या मीनिंग होता है, मीनिंग को अगर आप समझोगे यहाँ पर, तो आपने क्या बोला, मेडिकल, ठीक है। T4 आपने क्या बोला, टर्मिनेशन, एंड देन P4 आपने क्या बोला, प्रेगनेंसी। इट मीन्स दैट एक्सीडेंटल वे और इन द केस ऑफ नॉट नेचुरल, दैट इज आर्टिफिशियल वे, वेयर यू इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन। ओके, अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको इसे समझाऊं तो इसे आप अबॉर्शन बोलते हो। तो मोस्टली हम अबॉर्शन बोलते हैं कि आपने इंड्यूस कराया है अबॉर्शन, ठीक है। या फिर आप ये बोलते हो कि जो फेमस है हमारे यहाँ की जो बेबी है वो अपने टाइम से पहले ही आप क्या कर रहे हो, डिलीवर करा रहे हो। तो डिलीवरी के टाइम से पहले अगर आप प्रेगनेंसी की प्रोसेस कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, मेडिकली टर्मिनेट कर रहे हो, हटा रहे हो किसे, प्रेगनेंसी की प्रोसेस को, तो यहाँ पर क्या चांसेस होते हैं, इसे इलीगल क्यों बोल रहे हैं, और इंडिया में इसे लीगल किया है आफ्टर 1971 ईयर में इसे लीगल किया गया है इंडिया में, और कुछ इश्यूज के साथ। इट मीन्स कि इनमें बहुत से रूल्स उन्होंने लगाए हैं, क्या आखिर क्या क्या रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे, देन उसके बाद आप इंड्यूस अबॉर्शन की प्रोसेस को कर पाओगे। तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर MTP बैंड है, चाहे वो एथिकल इश्यूज हो, फिजिकल इश्यूज हो, या फिर हमारे RCS प्रोग्राम की गाइडलाइन ही क्यों ना हो, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर की जो गाइडलाइन है कि आपको उसे फॉलो करना है, और उन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए यहाँ पर जो भी हमारा MTP की प्रोसेस है उसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, आपने अबॉर्शन को इंड्यूस कराया है। आपने क्यों अबॉर्शन को इंड्यूस कराया, क्यों इसके लिए हमें रूल्स बनाने पड़े, बिकॉज ऑफ आप जानते हो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। तो इन सच केसेस, फॉर एग्जांपल इन क्रिमिनल केसेस, फॉर एग्जांपल इन रेप केसेस, एंड फॉर एग्जांपल व्हेन कंट्रासेप्टिव मेथड्स गेट फेल्ड, ऐसी सिचुएशन में आप MTP की प्रोसेस को कर सकते हो। इवन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लीगल है अगर 12 वीक का फीटस हो गया है, ठीक है, तो आप MTP की प्रोसेस नहीं फॉलो करा सकते, MTP आपके लिए इलीगल हो जाएगी। 12 वीक के पहले का अगर फीटस है तो आप इसे MTP के थ्रू क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। लेकिन अगर इसके बाद का है तो फिर वो फीटस के लिए और फीटस के साथ ही साथ माँ के लिए भी बहुत हार्मफुल कंडीशन हो जाएगी, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपका MTP क्या होगा, टोटली इलीगल होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि क्या गाइडलाइंस है हमारे इंडिया में या फिर दूसरी कंट्रीज में। तो MTP आप समझ गए, MTP का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि आपको जो प्रेगनेंसी है, मान लीजिए कंट्रासेप्टिव मेथड्स आपने नहीं फॉलो किए और आपके इंटरकोर्स का रिजल्ट क्या हुआ कि वो वुमेन या वाइफ वो क्या है, प्रेग्नेंट हो गई है। अब ऐसे केसेस में आपको क्या चाहिए, आपको पहले नॉलेज नहीं हुई, ठीक, और देन उसके बाद क्या हुआ कि अब प्रेगनेंसी क्या हो गई है, कॉज हो गई है। मैंने आपको जब कंट्रासेप्टिव की प्रोसेस बताई तो मैंने आपको बताया कि कुछ ओरल पिल्स आती, फॉर एग्जांपल आई पिल्स जो आती है, वहां पे आप बोलते हो कि 72 आवर्स अगर इंटरकोर्स का हो चुका है, कोइटस का हो चुका है, तो विद इन 72 आवर्स आप उस जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है उसे रोक सकते हो, है ना। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं इन्हीं के टॉपिक को आगे कर रहा हूं कि मतलब अगर 72 आवर्स से ज्यादा हो गया तो अब यहां पर क्या, प्रेगनेंसी तो कॉज हो चुकी,
अब आप इसे कैसे रोक सकते हो? तो आप वहां पे क्या फॉलो कर रहे हो, आप एमटीपी की प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, मेडिकली टर्मिनेट कर रहे हो प्रेगनेंसी को, और साथ ही साथ जैसे आप इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अबॉर्शन इंड्यूस कराया जा रहा है, और आप जानते हैं कि अगर आप ह्यूमन बीइंग अगर किसी नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट में कोई वर्क करता है तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होता है, और इसी वजह से इसे यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया में लीगल तो किया गया है, लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स के थ्रू इसे लीगल किया है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप एमटीपी की प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि आखिर एमटीपी की प्रोसेस हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, और ये कंट्रासेप्टिव मेथड्स का एक रूल नहीं है, ठीक है। क्या आपने बोला पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है, तो और मान लीजिए यहाँ पे प्रेगनेंसी अगर कॉज हो गई है तो आप एमटीपी कराने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपको ऐसे कंट्रासेप्टिव ही फॉलो करने हैं कि आपके पास एमटीपी की नौबत ना आए, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे प्रोसेस हो गई जहां पे हमने बहुत अच्छे से समझा कि आखिर एमटीपी क्या होता है और एमटीपी की प्रोसेस क्यों इलीगल है और लीगल है तो किन केसेस में लीगल है, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो क्या है, एसटीडी। ओके, सो स्टूडेंट्स अगेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट अवर इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड विच इज एसटीडी। एसटीडी का फेमस नेम है, मैंने अपने जब इंट्रोडक्शन दिया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पर भी मैंने आपको एसटीडी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दी थी, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस का मतलब क्या होता है कि जब कोई मेल किसी फीमेल के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं और ऐसे में वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, तो कहीं ना कहीं या ये कहेंगे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस होती हैं वो ट्रांसमिट हो सकती हैं इंसेमिनेशन के प्रोसेस में, या फिर ये कहें कि जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर मेल्स में है तो वो फीमेल में भी ट्रांसफर हो सकती है, और इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, एसटीडी बोलते हैं, वेनेरल डिजीजेस बोलते हैं, या फिर उसके साथ ही साथ हम इसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस बोलते हैं। ये जितने भी नाम मैंने बोले ये सारे नाम किससे रिलेटेड हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। मेल हो आइदर फीमेल हो, बोथ्स में जो भी प्रॉब्लम हम बता रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें अगर इंफेक्शन है तो सिंपल सी बात है अगर वो ट्रांसफर भी होंगे तो वो सेक्स के थ्रू ही ट्रांसफर होंगे। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स किसी के भी साथ कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आप में एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीजेज, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रांसफर इंफेक्शन और वेनेरियल डिजीजेस के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और इनमें से जो भी हमारी इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, एग्जाम में कई बार एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है कि आप हमें बताएं किन्हीं टू डिजीजेस के नाम जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि आप किन्हीं दो डिजीजेस के नाम बताएं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं और इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहली डिजीज है जो आप बताते हो एसटीडीज में जो आती हैं उन्हें आप बोलते हो गोनोरिया, सिफिलिस, ओके, जनरल जेनाइटल हर्पीज, देन हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सब कॉमन फेमस डिजीजेज हैं, ठीक है। वार्स डिजीज होती है जो कि जेनाइटल पोर्शन पे ही होती है, जेनाइटल स्वेलिंग को आप बोलते हो, तो ये सब क्या है, ये कॉमन डिजीजेज हैं जो कि एसटीडी के थ्रू, जिन्हें हम एसटीडी की कैटेगरी में रखते हैं, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, सिर्फ और सिर्फ ये सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होंगी अगर हम हेपेटाइटिस बी और एड्स को हटा दें। बिकॉज ऑफ आप जानते हो कि जो एड्स की डिजीज है, जो हेपेटाइटिस बी की डिजीज है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ट्रांसफर होती हैं, और एड्स के बारे में तो आप जानते हैं कि ये अगर सिरिंज जो हमारी इंजेक्शन की सिरिंज है अगर वो एक से ज्यादा लोगों में यूज की जा रही है और वहां पर आप न्यू सिरिंज अगर नहीं यूज करते हो तो चांसेस होते हैं एड्स के ट्रांसमिट होने के। और साथ ही साथ आप जानते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, इन्फेक्टेड बॉडी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, या फिर हम सिरिंज की बात करें, तो ये सब कॉमन चीजें होती हैं जहां पर हम बताते हैं कि इनमें इनमें एड्स की प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होने के साथ साथ ये और भी कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अनदर रिलेटेड थिंग्स। ओके, सो स्टूडेंट यहां पे मैंने आपको क्लियर किया कि एसटीडीज क्या है,
सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीजेज हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बता दिए कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिन्हें कि हम सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीजेज में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन में रखते हैं। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी इंफेक्शन है ना, ये स्टार्टिंग के स्टेजेस में नहीं दिखाई देते, रेयर होते हैं कि आपको इनके सिम्टम्स दिखाई दे, या फिर इनके सिम्टम्स क्या होंगे, बहुत ही नॉर्मल होंगे, नॉर्मल इचिंग की प्रॉब्लम होगी, या फिर जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स है वहां पे स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, या फिर फ्लूइड सब्सटेंस जो है वहां से रिलीज होगा, जेनाइटल ऑर्गन से रिलीज होगा, ठीक। तो मतलब कुछ स्टार्टिंग के सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन और वो भी किसमें, मेल्स में दिखेंगे, फीमेल्स तो बिल्कुल भी एसिम्पटेटिक होते हैं, मतलब इनमें तो स्टार्टिंग के सिम्टम्स भी नहीं देखने को मिलते, और बाद में आगे जाकर के यही सिम्टम्स उनमें शो होना शुरू करते हैं, जो कि कुछ कुछ खराब कंडीशंस को यहाँ पर लाते हैं। और वो खराब कंडीशन क्या है, स्टिलबर्थ। वो खराब कंडीशन क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो स्टूडेंट्स, इस फैक्ट को हमें जरूर यहाँ पे समझना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती है। एक टोपिक प्रेगनेंसी हम किसे बोलते हैं, एक टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, नॉर्मल केसेस में आप जानते हो, मैंने ही आपको पढ़ाया है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो जायगोट है, जायगोट के बाद जब वो ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वो इम्प्लांट होते हैं, और इम्प्लांट होकर के जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा है ना, ट्रोफोब्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, वो कहां पर इम्प्लांट होगा, आकर के यूट्रस में इम्प्लांट होगा। लेकिन एक टोपिक प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, यहां पर जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में नहीं हो रहा है, वो यूट्रस की जगह दूसरे पार्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल आप यही कह सकते हो फैलोपियन ट्यूब में वो इम्प्लांट हो गया। अब आप सोचो अपने दिमाग से, जिस चीज को नेचुरली नेचुरली जहां जाना चाहिए था वहां वो नहीं पहुंचा, वो उसकी जगह कहीं और है और वो कहीं और इम्प्लांट हो रहा, तो क्या वो डैमेज कॉज नहीं करेगा, क्या उसका हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा उसका हार्मफुल इम्पैक्ट। और उसका हार्मफुल इम्पैक्ट ये है कि ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा वुमेन्स में प्रॉब्लम होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, इवन उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, बहुत पेन होगा, एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होगा और डेथ भी हो सकती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। होपफुली आप इस टर्म को समझ गए होंगे, जो प्रॉब्लम क्यों कॉज हो रही है, एसटीडी का एक तरीके के सिम्टम्स बता रहे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंफेक्शंस होगा, ये बात भी आप समझते हैं। उसके साथ ही साथ फीमेल्स में जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड कैंसर प्रॉब्लम है वो भी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिम्टम्स हैं जो कि फीमेल्स में बाद में देखने को मिलती हैं, पहले आपको ये सिम्टम्स मेल में देखने को मिलते हैं। इवन आप एड्स के बारे में बोलते हैं कि इसमें तो जो भी सिम्टम्स हैं वो 10 to 11 ईयर बाद एक तरीके से ये देखने को मिलता है। तो हम इनसे कैसे सेफ रह सकते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे कि एड्स की वैक्सीन अभी तक कोई फॉर्म नहीं है, इट मीन्स हम इसे टोटली क्योर नहीं कर सकते, बट हाँ कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, इसकी स्टेजेस को हम स्लो कर देते हैं अगर पहले से पता चल गया है तो। पहले से अगर डायग्नोसिस हो गई है और वहां पर पता चल गया है कि कोई भी रिप्रोडक्टिव या एसटीडी प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसे क्योर तो नहीं बट हाँ कंट्रोल जरूर कर सकते हो। दूसरे टाइप के जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर ये क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो भी डिजीज है उन्हें हम क्योर भी कर सकते थे, है ना। लेकिन अगर हम एड्स की बात करें तो हम इसे क्योर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ अभी तक इनकी वैक्सीन नहीं फॉर्म है, और इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। और ये एनसीईआरटी ने भी बोल दिया कि यहाँ पर आप थोड़ा सा है ना आराम करो, थोड़ा सा आराम करो, और उसके बाद हम इसे चैप्टर नंबर 8 में अच्छे से समझाएंगे कि आखिर एड्स है क्या, आखिर एचआईवी क्या है, एचआईवी वायरस कैसे स्प्रेड होता है और क्या रीजन है। सो स्टूडेंट्स, जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीजेस हैं उनका एक एज ग्रुप है जहां पर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और वो एज ग्रुप क्या है, 15 to 25, है ना। 15 to 25 का जो एज ग्रुप है इनमें बहुत ज्यादा एसटीडीज देखने को मिलते हैं, और इसी एज ग्रुप में आप भी आते हो, और इसी वजह से ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपके यहाँ दिया हुआ है ताकि आप इन चीजों से अवेयर रहे और इन चीजों को अवॉइड करके आप सेफ बचे रहे, ठीक है, आप सेफ रहें। और आप कैसे सेफ रह सकते हो, अपने आप को सेफ रख कैसे सकते हो,
तो उसके कुछ रीजंस भी हैं, कुछ पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो होता है, आपको अवॉइड करना है मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ सेक्स करने में, ठीक है। मतलब अननोन हो पर्सन या फिर अननोन के साथ साथ बहुत ज्यादा पर्सन से अवॉइड करना चाहिए आपको सेक्सुअल प्रोसेस या सेक्सुअल रिलेशनशिप फॉर्म करने में, ठीक है। जान पहचान का हो, मतलब अननोन ना हो, नोन पर्सन हो, और मल्टीपल पार्टनर ना हो, सेक्सुअल मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए, इसे आपको अवॉइड करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑलवेज यू यूज ड्यूरिंग द इंटरकोर्स प्रोसेस ऑलवेज यू यूज द कंडोम्स। अब यहां पर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, फीमेल हो सकते हैं कंडोम्स या मेल कंडोम्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको कंट्रासेप्टिव वीडियो में भी ये बात समझाई थी कि बैरियर मेथड में आप इनका यूज कर रहे हो, ये रीयूजेबल नहीं है, और साथ ही साथ वहां पर भी मैंने बताया था कि ये एसटीडी से आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि यहां पर अगर आपके एसटीडी से सेफ रखना है तो आपको इंटरकोर्स या क्विटस प्रोसेस के समय पर, सेक्सुअल प्रोसेस के समय पर आपको इस बैरियर मेथड, मतलब आपको कंडोम्स यूज करना चाहिए, ओके। और थर्ड यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएं और डायग्नोज करवाएं और प्रॉपर केयरिंग लें, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट उस चीज का कराएं ताकि वो आपकी बॉडी से एकदम खत्म हो जाए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बेस पर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया, और वो हमारा टॉपिक क्या था, एसटीडी था। तो एसटीडी फीमेल्स और मेल्स दोनों में नॉर्मल है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम समझते हैं कि अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है इस वीडियो का। सो स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है? फर्टिलिटी के बारे में आप जानते हो कि दोज ऑर्गेनिज्म हैव देयर चिल्ड्रन, जो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंटल हुड को एंजॉय कर रहे हैं ना, जिन जो चिल्ड्रन फॉर्म कर सकते हैं, मतलब चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम फर्टाइल बोलते हैं। और जिनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि उनके चिल्ड्रन हो सके या प्रेगनेंसी की प्रोसेस हो सके फीमेल में, या मेल एबल है प्रेगनेंट करने में फीमेल को, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी इन नॉर्मल केसेस यू सेज दैट द कपल और मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म नॉट गेट हैव देयर चिल्ड्रन, ओके। तो ऐसे केसेस में आप इसे क्या बोलते हो, इनफर्टिलिटी बोलते हो। अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए ये बात हमारी एनसीईआरटी में भी लिखी है और क्वेश्चन भी पूछा है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब भी इस बात को डिस्कस करेंगे। इंडिया में टोटली ब्लेम किया जाता है फीमेल को इनफर्टिलिटी के केस में। अगर कोई दो कपल इनफर्टाइल है ना, दो में से कोई एक है, जैसे दो एक हस्बैंड वाइफ है और उनको बेबी नहीं हो रहा, उनकी शादी को बहुत साल हो गए, मतलब 6-7 साल हो गए हैं, बट बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके, तो हमेशा ब्लेम किसे किया जाता है, फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि इनके बेबी नहीं हो रहा। बट ऐसा हर केसेस में नहीं होता है, अगर फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती तो साथ ही साथ मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है। सो यू ऑलवेज नॉट सेज दैट फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी और फीमेल्स आर नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। फीमेल सिर्फ प्रेगनेंट हो सकती है बट विदाउट द हेल्प ऑफ अ मेल नहीं हो सकती, है ना, विदाउट द हेल्प ऑफ अ सीमेन नहीं हो सकती। जब तक उसे स्पर्म नहीं मिलेगा तब तक वो प्रेगनेंट नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं मेल्स भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर मान लीजिए मेल्स में स्पर्म नहीं फॉर्म हो रहे हैं, या मेल के ही स्पर्म हेल्दी स्पर्म नहीं है, या मेल का स्पर्म जाकर के एग को फर्टाइल नहीं कर पा रहा, तो क्या आप कहोगे वहां पर कि हाँ भाई फीमेल इनफर्टाइल है? बिल्कुल नहीं कहोगे। हाँ, फीमेल उस केस में इनफर्टाइल है जहां पर उसमें ओवा नहीं फॉर्म हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं फॉर्म हो रही, तो कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम है तब आप फीमेल को इनफर्टाइल बोलते हो। बट इंडिया में जो ये बात ब्लेम की जाती है इंडियन वुमेन्स को कि इनफर्टाइल के लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल फीमेल है, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, ओके। तो ये बात हो गई। देन उसके बाद हम इन फर्टिलिटी के केस में जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये है कि क्या चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी को कॉज करने के लिए। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग्स लेना, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी मेडिसिन या ड्रग्स लेते हैं,
उनमें इनफर्टिलिटी कॉज होती है। इवन आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल का मतलब ये कि अगर हम बहुत ज्यादा टाइट क्लॉथ पहनते हैं, है मोस्टली हम अगर मेल्स की बात करें, मेल्स के लोअर ऑर्गन्स की बात करें, तो वहां पर जो भी हमारे अंडर गार्मेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइट है ना, तो इनका लूज होना इम्पोर्टेंट है, ये एक है। देन उसके बाद दूसरी लाइफ स्टाइल में भाई मैंने एक जगह पढ़ा था, हमारा सेलफोन, हमारा मोबाइल फोन जो है, अगर हम इसे आगे रखते हैं तो ये भी एक तरीके से हमारे स्पर्म काउंटिंग में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। मतलब ये भी स्पर्म की कैपेसिटी को कह लो या उनकी पावर को कह लो या उनके नंबर्स को कह लो, ये भी स्पर्म की काउंटिंग को डिक्रीज करते हैं। उसके बाद हमारे कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, साइकोलॉजी भाई, हमारा ब्रेन बिहेवियर, तो साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस होता है, इनफर्टिलिटी के लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स, अगर फिजिकल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, ये भी यहाँ पर इनफर्टिलिटी को कॉज कर रहा है, और साथ ही साथ कौन जेनिटल जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है टोटली इनफर्टिलिटी के लिए। तो क्या क्या रीजन है, मैंने ये आपको बता दिया। अब इनफर्टिलिटी से कैसे इनफर्टिलिटी हो गई, अब इनके कोई सोल्यूशंस भी तो होंगे ना, ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर कोई पर्सन इनफर्टाइल है तो वो हाथ पे हाथ धरे तो बैठा नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यूज करेगा जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल ना रह जाए। तो यहाँ पर हम उन्हीं इनफर्टाइल से सेफ रखने के लिए हम कौन कौन से मेथड फॉलो कर रहे हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स वी टॉक अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी एंड हाउ विल वी ट्रीट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम इन मेल एंड फीमेल एंड देयर पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज ART। व्हाट इज ART? ए इज स्टैंड फॉर द असिस्टेड, आर इज स्टैंड फॉर द रिप्रोडक्टिव एंड टी इज स्टैंड फॉर द टेक्निक। ओके, सो हियर वी अप्लाई ART टेक्निक, वेयर आई अगेन रिपीट द टर्म, ए मीन्स असिस्टेड या एसोसिएटेड, आर इज स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव एंड टी इज स्टैंड फॉर द टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कि एक तरीके से एसोसिएटेड है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से। और यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी क्या है और यहाँ पर हम क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं उसे समझते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पर मेल इनफर्टाइल है, ठीक है, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे फीमेल इनफर्टाइल है। तो मान लीजिए जो फीमेल्स हैं और जो मेल है, मेल टोटली एबल है स्पर्म प्रोड्यूस करने में, सीमेन फॉर्मेशन में उसका स्पर्म जो काउंटिंग है वो भी टोटल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक इंटरकोर्स की प्रोसेस हो रही है, इनसेमिनेशन की प्रोसेस हो रही, तो सीमेन में कम से कम 16 करोड़ स्पर्म जरूर होने चाहिए, 20 करोड़ तक इनके नंबर्स होते हैं। तो अगर इनमें से डिक्रीज हो रहा है नंबर, तो बिल्कुल ये इनफर्टिलिटी का रीजन है। देखिए आप ये बात जानते हो बहुत अच्छे से कि एक स्पर्म फ्यूजन के लिए चाहिए, सिर्फ एक स्पर्म, लेकिन डिपेंड करता है क्वालिटी, डिपेंड करता है रेस। मैंने आपको बताया था कि हर एक स्पर्म रेस में है, 40% स्पर्म जो होते हैं वो मोस्ट कैपेसिटी वाले मतलब विगरस नेचर में होते हैं, 60% नॉर्मल होते हैं। तो यहां पर जो मेल है उसमें स्पर्म फॉर्म हो रहा है बट वो रीच नहीं कर पा रहे हैं कहां पर, फैलोपियन ट्यूब तक, या फिर फीमेल्स में जो ओवा है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए ही, ऐसे ही केसेस के लिए ही हम किसका यूज कर रहे हैं, ART टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। और ART टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो सबसे अच्छी फेमस टेक्निक आप जानते हो वो क्या है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलिटी। ऐसे बहुत से सेंटर्स हैं जो कि आपने अपनी सिटीज में देखे होंगे, इवन मैंने अपनी सिटीज में देखा, इसलिए मैं आपके लिए भी कह रहा हूं कि आपने भी अपनी सिटीज में देखे होंगे, बहुत से सेंटर्स खुले हैं, अब आगे कुछ भी टैग लगा है और बाद में क्या लिखा होता है, IVF सेंटर, ठीक है, ब्रांड का कुछ भी नाम हो सकता है ना, जैसे मेरा नाम मेरे नाम पे बना दो, मतलब आकाश इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, एक दिन कुछ भी हो सकता है ना। तो ये यहाँ पर क्या है कि IVF टेक्नोलॉजी है, और IVF में आप क्या बोलते हो, इन विट्रो। स्टूडेंट इन का मतलब अंदर होता है, जानते ही हो, इन अंदर आउट बाहर ऐसा कुछ नहीं है,
यहाँ पे इन का मीनिंग भी अंदर ही है, विट्रो का मतलब होता है लैबोरेटरी और एफ का मीनिंग क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स दैट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, लैबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसा टेम्परेचर, जैसा एटमोस्फियर टोटली फीमेल बॉडी में होता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, वैसा ही सेम एटमोस्फियर हम प्रोवाइड करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, जिसे कॉमनली कॉमनली आप क्या बोलते हो, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हो। अब समझ में आ रहा है आपको, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हो, बहुत ज्यादा फेमस है ना ये टर्म, बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है, टेस्ट ट्यूब में करा रहे हो। आपने क्या किया, मेल का स्पर्म लिया, फीमेल का एग लिया, दोनों का फ्यूजन करा दिया, और इसे ही आप क्या बोलोगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बिकॉज ऑफ ये फर्टिलाइजेशन कहाँ किया आपने, लेबोरेटरी में किया। अब लेबोरेटरी में करने के बाद आप उसे वापस कहाँ, फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जिसे आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्या ZIFT नहीं बोल सकते हो, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। स्टूडेंट देखिए, ये जितने भी टर्म्स हैं, चाहे वो ART रहा हो, IVF रहा हो, या ZIFT रहा हो, मतलब बोलने में भी जेड है ना, तो ZIFT रहा हो, ये सारे टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनका इवेल्युएशन करें ना, अगर आप सैंपल पेपर्स देखें या क्वेश्चंस देखें, तो वहां पर ऐसे कम से कम 4 टेक्निक्स के नेम लिख दिए गए हैं और इन एब्रीविएशन के बारे में आपसे पूछा गया है। सो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, इसलिए इन सबके एब्रीविएशन आपको आने चाहिए। सो जेड इज स्टैंड फॉर द जायगोट, आई इज स्टैंड फॉर द इंट्रा, F is stand for the fallopian and T is stand for the transfer. तो fallopian tube में transfer किसे कराने बच्चा, zygote को। focus करो, मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया IVF technology में, कि आपने fertilization कहाँ कराया है, fertilization की process आपने कहाँ कराई है, आपने ये fertilization की process कराई है बहुत अच्छे से laboratory में, लेकिन अब उसे आप implant करने वाले हो, मतलब अब वो zygote बन गया, इतना समझ रहे हो। उस जायगॉट में सिर्फ और सिर्फ 8 ब्लास्टोमियर्स की स्टेज ही बनी हो। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये 8 ब्लास्टोमियर्स कहां से बोला आपने, तो मैं आपको कहूंगा भाई जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये 8 ब्लास्टोमियर्स क्या बोला। ओके, तो मैं नहीं बताने वाला यहाँ पर बिल्कुल भी, ठीक, मेहनत करिए थोड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज थी, उसके पहले ही हमने उसे कहां पर इम्प्लांट करने के लिए भेज दिया है, और यहाँ पर हम इसे क्या बोल रहे हैं, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बिकॉज ऑफ आपको मैंने आप बताया था कि जायगोट का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्लांट नहीं हो रहा है यूट्रस में, यूट्रस में जायगोट से जब और डिवीजन कॉज होगा, मतलब 8 ब्लास्टोमियर्स के बाद की अगर सिचुएशन होगी, तब हम उसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे, इम्प्लांट नहीं करोगे, फैलोपियन ट्यूब में भेजोगे, उसके बाद वो अपना काम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। ईटी टेक्निक होती है बच्चा, एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर में मतलब आपने अभी एम्ब्रियो तक डेवलप कर लिया, लेबोरेटरी में आपने एम्ब्रियो तक डेवलप कर लिया है, अब आप उसे इम्प्लांट करने के लिए कहाँ भेजेंगे, थ्रू द वजाइना आप यूट्रस में भेज रहे हैं ताकि वो इम्प्लांट हो जाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर GIFT टेक्निक भी होती है। जी का मतलब क्या होता है, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मान लीजिए जो स्पर्म्स है वो वहां पे रीच नहीं कर पा रहे, या ओवा फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पा रहा, ऐसी टेक्नोलॉजी में आप क्या कर रहे हो, गैमिट को सीधा सीधा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब यहाँ फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है, वो कहाँ हो रही है, वो फैलोपियन ट्यूब में हो रही है। मतलब आप गैमिट, भाई मेल का स्पर्म एक गैमिट ही तो है, गैमिट ही तो है ना भाई, कोई दिक्कत समझने में, बिल्कुल नहीं ना, तो वो क्या है, गैमिट ही है, और उसे आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, सीधे फीमेल की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसे आप GIFT बोलते हो। तो ये टेक्निक हमने समझी। अब मेल में जो स्पर्म काउंटिंग है वो लो है, हेल्दी स्पर्म नहीं है, स्पर्म में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रीच कर जाए फीमेल बॉडी में, ऐसे टेक्नोलॉजी में, मतलब ऐसे ऐसे केसेस में आप क्या कर रहे हो, ऐसे केसेस में आप कर रहे हो IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, या तो आप यूट्रस में सीमेन को सेंड कर रहे हो, इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI टेक्निक्स में हम इनको यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब कि जो डोनर है या जो हस्बैंड है या जो मेल है, उसका आपने सीमेन लिया और उसे कहा फीमेल बॉडी में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करो, मतलब पेनिस के थ्रू वो इंजेक्ट ना होकर के आप इंजेक्ट करा रहे हो, मतलब ह्यूमन बींग उसे इंजेक्ट करा रहा है, तो इसे आप क्या बोलते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हो।
इसमें ही आप एक टेक्निक यूज करते हो जो कि बहुत अच्छी है, और वो टेक्निक अच्छी है बिल्कुल नहीं, ICSI। ठीक है, ICSI का मतलब क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें आप क्या करते हो, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक का सिंपल सा मतलब है ये जो एग है हमारा फीमेल्स का, और वहां पे एग में सीधे आप इंजेक्शन के थ्रू किसे भेज रहे हो, स्पर्म को भेज रहे हो, है ना। आप किसे भेज रहे हो, आप सीधे सीधे स्पर्म को भेज रहे हो, और आप वहां पे फ्यूजन करा रहे हो। यहाँ पे दरअसल केस क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है या जो हस्बैंड है वो चाहता है कि जेनेटिकली उसी का बेबी हो, बिकॉज ऑफ अगर डोनर सेलेक्ट किया तो आप जानते हैं कि यहाँ पे डोनर का स्पर्म होगा, डोनर एक तरीके से जेनेटिकली फादर हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से वो जब चाहते हैं कि भले उनकी स्पर्म काउंटिंग लो है बट बेबी उन्हीं के स्पर्म का होना चाहिए, तो ऐसे केसेस में आप ICSI का सहारा लेते हो। और ICSI क्या कर रहा है, सीधे सीधे साइटोप्लाज्म में स्पर्म को छोड़ेंगे और फिर वो जाकर के यहाँ पे न्यूक्लियस से, फीमेल गैमेट जो न्यूक्लियस है उससे फ्यूजन कॉज करेगा, तो वहां पे आप इसे ICSI बोलते हो। सो स्टूडेंट, प्रॉब्लम क्या है ICSI में कि मोस्टली देखा गया है कि बहुत सारी फिजिकल्स प्रॉब्लम हो सकती है उस बेबी में। क्यों हो सकती है, क्योंकि स्पर्म बहुत हेल्दी नहीं था, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो खुद फैलोपियन ट्यूब तक जा करके फ्यूजन कॉज कर सके, और आपने यहाँ पर आर्टिफिशियली उसे जनरेट तो करा लिया, बट ऐसे बेबीज एक तरीके से नॉर्मल नहीं कह सकते हम, है ना। मोस्टली ये केसेस बोले जाते हैं कि कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ICSI टेक्निक बोलते हैं। IUT पढ़ लिया, AI पढ़ लिया, है ना, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पढ़ लिया। तो ये कुछ यहाँ पे प्रॉपर मेथड थे जहां पर आप ने जाना इनफर्टिलिटी के केसेस को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, और हर एक हस्बैंड वाइफ चाइल्डहुड को एंजॉय कैसे कर सकते हैं, पेरेंटलहुड को, इवन ये कहें पेरेंटलहुड को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, और उन्हें भी मौका मिलेगा ना। जैसे आप पोस्टर्स अगर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में, हेडलाइंस गाइडलाइन आती है तो बोलते हैं निसंतान दंपत्ति मिले, है ना, ऐसी टैगलाइन होती है, बिकॉज ऑफ हर एक पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है उसके बच्चे हों, है ना, तो वो एक बात होती है। तो अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसे हम यहाँ पर सुधार भी सकते हैं, और सुधारने के लिए हमने ये कुछ प्रोसेसेस पढ़े जो कि ART टेक्निक्स में आते थे। ठीक है, इन सब के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं, मैंने पहले ही बोला कि एग्जाम में ये आपसे पूछे जाएंगे, तो होपफुली आपको ये टेक्निक्स भी समझ में आई होंगी। आपके लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा, और यहाँ पर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया, एंड होपफुली यू ऑल्सो रिमेम्बर एंड यू ऑल्सो लर्न मोर थिंग इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो ऑल दिस वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर।